हाथरस केस में पॉलिटिकली आपको क्या क्या समस्या आ रही है, जो पॉलिटिकल का दबाव है? पॉलिटिकल देखिए, सरकार जो जितना मैं समझ पा रही हूँ उसका उद्देश्य ये है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के दलित समाज के अंदर अगर ये क्राइम होगा तो हम आपको उस लेवल पे वो सारी चीज़ें नहीं रिलीफ देंगे, नहीं उपचार देंगे जो हम अन्य समुदाय को देते हैं। एक विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था जिसको मैंने एफिडेविट में फाइल किया, और अभी गोरखपुर में एक क्राइम हुआ मनीष गुप्ता हत्याकांड। एक सप्ताह के अंदर सेकंड क्लास ऑफिसर की नौकरी दी, 40 लाख रुपए दिए, घर भी दिए, फिर इस परिवार को क्यों नहीं दिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये मैसेज देना चाहते, सरकार इतनी पावरफुल है और दलित हमेशा शोषित पीड़ित वंचित ही रहेगा, वो मुख्यधारा में नहीं जुड़ सकते, इसलिए ये पॉलिटिकल इनका स्टैंड है। लेकिन मैं इनको मैसेज देना चाहती हूँ, हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हमें किसी चीज का लालच नहीं है, लेकिन देश की 49% बेटियों की आइडेंटिटी की लड़ाई है। हमारे देश की वो भी नागरिक थी मनीषा बाल्मी, जिसके लिए दूसरी बेटी खड़ी लड़ रही है। आपको सब कुछ देना पड़ेगा जो आपने वादा किया।